अपने एक्सपीरियंस से कहूंगा कि आप रात में ट्रैवल पहाड़ों में ना करें, बिकॉज हमने करा है, हमें पता है क्या सीन हुआ और काफी अनसेफ है। मैं बोलूंगा हिमाचल की सबसे वर्स्ट जगह है वो, और अगर आप चेक करोगे गूगल पे डाल के तो गूगल पे आप देखना स्पीति वैली, सबको पता है रोड कंडीशन कैसी है, डेंजरस वैली इन होल इंडिया, उसके अलावा इतनी डेंजरस वैली कोई है ही। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ZNW पोस्टकार्ड्स। सो गाइस, लास्ट वीडियोस आपने हमारी देखी थी स्पीति वैली एपिसोड 1, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत लाइक करा उसको, और एज हमने बताया था कि ये रियलिस्टिक एक्सपीरियंस के लिए हम अपने फोर्थ मेंबर को बुलाएंगे। सो आज हम वेलकम करते हैं अपने फोर्थ मेंबर को, साहिब, प्लीज कम साहिब। बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आओ बैठो। सो ये है साहिब, ये हमारे साथ गए थे स्पीति, और जितना भी हमारा एक्सपीरियंस था ये होलसम में आज आपको ये बताएंगे, आज हमारी जुबानी नहीं, आज इनकी जुबानी सुनिए। चलिए चलो कंटिन्यू करो। सो स्पीति हमने किया था 70 घंटे में, 3 दिन 70 घंटे में स्पीति से वापस आ चुके थे। तो पहले पार्ट में तो आपने सुना होगा कि हम कैसे स्पीति गए थे, स्पीति पहुंचे थे, कहां पे रुके थे, वहां पे क्या हादसा हुआ था हमारे साथ, लाइक जो ब्लैंकेट जल गया था हमारा ऑटोमेटिक अपने आप रात में, है ना। हाँ, आफ्टर दैट होटल वालों ने हमें कुछ बताया भी नहीं था कि हाँ ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं पूछा उन्होंने हमसे। तो ऐसा हुआ था जैसे हम स्पीति पहुंचे, स्पीति से हम जब निकलने लगे स्पीति से वापस दिल्ली के लिए, तो निशांत भाई एंड वली भाई, निशांत भाई ने ये डिसाइड किया कि गाड़ी राइट लगेगी दिल्ली। सो हम निकल गए थे दिल्ली के लिए, लेकिन रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए कि हमें रुकना पड़ गया था ऊंचाई थी वहां पर, हमें सांस का थोड़ा इशू आ रहा था, लेफ्ट साइड ना राइट साइड ना आगे ना पीछे, बंदा भी इवन 10 किलोमीटर आगे और पीछे तक कोई बंदा नहीं था, मतलब कोई घर की भी लाइट्स नहीं दिख रही थी, जिसे कह सकते हैं ये टाबू से पहले की, और ये दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, दिन का ये हाल था, दिन में सन्नाटा था बिल्कुल, जनरली जैसे होना भी चाहिए, एग्जैक्टली वो वीडियो में दिख जाएगा, उसके आगे बताओ। सो हुआ कुछ ऐसा था कि रास्ते में हम कहीं रुके थे, सो वहां पे लोगों ने बोला कि रात में पहाड़ों से अगर आप जा रहे हो शिमला वगैरह भी, तो आप रात में ट्रैवल ना करो, लेकिन हमें तो एडवेंचर का जोश है, सो हम निकल गए थे कि हाँ रात में बाहर निकलना है एंड सुबह तक हमें दिल्ली भी लगाना है गाड़ी, तो बस निकल गए थे वही सोचकर। जैसे ही हम रात हुई है, सूरज ढला है, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम रास्ते में कोई एक बंदा दिख रहा है दूर दूर तक, नहीं कोई सिंगल गाड़ी दिख रही है, कुछ भी नहीं, नहीं गांव के लोग दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक हमारी गाड़ी जो थी XUV 500, बस वही गाड़ी रोड पे चल रही थी और हम 5 बंदे उस गाड़ी के अंदर। और सबसे बड़ी चीज ये थी, जब हम स्पीति में जब निकले वहां से तो शाम हो गई थी, तो हम स्पीति में हम लोगों ने वो चीचम ब्रिज देखा, इंडिया हाईएस्ट पोस्ट वो था, पोस्ट ऑफिस था, और वो मॉनेस्ट्री बुद्धा मॉनेस्ट्री थी, वो सारी चीजें विजिट करी, वहां तक तो चीजें बिल्कुल सॉर्टेड थी, सब कुछ ठीक था, क्यों बोली भाई बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि मतलब सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं था, जनरली घूम रहे थे, बस हाँ एक गाड़ी इशू ये हो रहा था कि हम लोग को थोड़ी सी ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, और उस वजह से सभी के ढलान थी रोड नीचे की तरफ थी, अब ये पैदल गए और जब ये वापस आ रहे हैं ऐसे हफ्ते हफ्ते आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, ये मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मेरे साथ जैसे कि आप लोग को पता है हम साथ ही गए थे, तो निशांत उस टाइम गाड़ी में था, बट जीशान भाई और साहिब हम तीनों साथ ही गए थे, तो ये ज्यादा बेटर बताएंगे कि हेल्थ वाइज हमको ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की ऐसी कोई आदत हो जो उससे ताकि लंग्स में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाए, बट नॉर्मली भी और कोई ढलान को इतनी ज्यादा नहीं थी, जनरली यहाँ लोकल में होती है कि हाँ 4 किलोमीटर की अगर किसी के घर में बेसमेंट वाली पार्किंग होगी तो मेरे बेसमेंट से ऊपर चढ़ने वाला जनरली बस इतना ही था, बट उसको चलने में हमें 100 मीटर चलने में हमारा हाल ऐसा हो गया था कि हमने 5 फ्लोर ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर पानी पीने वाला था। उसके बाद फिर वो सारी चीज हो गए, हमने अपनी यूटिलिटीज ले ली जितनी भी हमें लेनी थी, उसके बाद फिर हमने क्या प्लान बनाया कि अब ना यहाँ पे एक तो हमारे साथ लास्ट डे बहुत ज्यादा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ रात में, तो हमने सोचा था कि डायरेक्ट हम स्पीति से अब दिल्ली गाड़ी लेंगे, तो फिर वहां से गाड़ी मैंने चलाना स्टार्ट करी जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था भाई, बहुत ज्यादा स्पीति जाना, स्पीति से दिल्ली आना बहुत ज्यादा, बट वही हम 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कर सकते थे, और ये समझ लो कि आप
14 घंटे ड्राइव समझ रहे हो, और पहाड़ों का तो ये होता है गाइस कि मतलब अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, तो अगर आप उसको सीधी रोड पे करोगे ना तो 200-250 किलोमीटर नहीं लग रहा है, चढ़ाई होती है ढलान होती है, ऊपर से रोड वो इतना गंदा था, टूटा हुआ पूरा रोड, पूरा 30 किलोमीटर का पैच ऐसा था जो मतलब रोड बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, और गाड़ी उस पर कितनी स्पीड ले 20 के थी। अच्छा चलो, ये सारी चीजें भी ठीक थी। उसके बाद जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वहां से दिल्ली की तरफ, तो क्या हुआ कि कौन सा चेक पोस्ट था वो, स्पीति का था शायद, ताबो के बाद एक चेक पोस्ट आया था जहाँ हमें गाड़ी की एग्जिट दिखानी थी, और उसके बाद फिर एक स्पीति का था, वो एंट्री कराते हैं ना, वो इसलिए कराते हैं कि इनके साथ ही। दूसरा जो चेक पोस्ट था 300 रामपुर के बाद था, जब रामपुर से वहाँ के लिए नारकंडा के लिए जाते हैं, पहले वाला जो चेक पोस्ट था जब हम चीजें नीचे उतरे स्पीति से नीचे आ रहे थे, जो पहले था ना वो, क्योंकि जो दूसरे वाला था ना रामपुर वाला, एग्जिट की एंट्री नहीं थी, फर्स्ट वाले एंट्री थी, तो उसके बाद गाड़ी चला रहा था मैं, तो वहां से हम लोग निकले। वहां से निकलने के बाद हमने स्पीति वैली के दोनों चेक पोस्ट क्रॉस करे, दोनों एंट्री एग्जिट जो भी चीजें थी, हम आईडी वाईडी दिखा के वो सारी चीजें कवर करने के बाद फिर हम वहां से हो गए। और रात का सफर, मैं तो जनरली मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूंगा कि आप रात में ट्रैवल पहाड़ों में ना करें, बिकॉज हमने करा है, हमें पता है क्या सीन हुआ, और काफी अनसेफ है। मैं तो कहूंगा हिमाचल की सबसे वर्स्ट जगह है वो, और अगर आप चेक करोगे गूगल पे डाल के, तो गूगल पे आप देखना स्पीति वैली, सबको पता है कि रोड कंडीशन कैसी है भाई, डेंजरस वैली इन होल इंडिया आई थिंक सो, उसके अलावा इतनी डेंजरस वैली कोई है ही नहीं। तो मैं तो आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप मत जाओ, कुछ छोटे जाना हो तो 3 दिन में चलाओ, रुक रुक के जाओ, बट ये कंटिन्यूशन है, मत जाओ। तो आगे साहिब भाई आपको हुआ कुछ ये था, जैसे ही हमने पैचेस वाले रोड कवर किए और स्पीति का चेक पॉइंट क्रॉस किया, तो वहां से आप बहुत खूबसूरत वैली, बहुत ब्यूटीफुल वैली, क्या व्यू आया था वहां से, बहुत प्रॉपर। हम सुबह में दिन में निकले थे ना वहां से, जो जहां पे हमने रात गुजारी थी वहां से हम सुबह में निकले थे, सो बहुत अच्छा लग रहा था। जब वापस आए तो वो अंधेरा भी बदल चुका था। हुआ कुछ ऐसा कि निशान भाई गाड़ी चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, एंड बीच वाली सीट पे वली भाई एंड निशान भाई बैठे हुए थे। अचानक से निशाद भाई नोटिस कर रहे थे, एक आवाज बहुत देर से नोटिस कर रहे थे, जैसे वो वैली में, और वो आवाज भी आप लोग जानना चाहोगे कब के बात के, ऐसा हुआ था कि हमारे साथ एक बंदा और गया था, उसका नाम रिहान है, तो वो और मैं बैठे हुए थे, तो पता नहीं हमारे घर में क्या आया, हमने ऐसी हॉन्टेड बातें करने लगे लोग इन लोगों से। मैंने कहा निशाद ऐसा होता है, तू बिलीव करता है नहीं करता है, तो ये लोग दम से निशाद और निशान भाई कहने लगे कि वली देखो ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि ईविल जो होता है ना, ईविल जितना ज्यादा उसका नाम लोगे उसके बारे में, तो उतना ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग मतलब उसको पावर स्पेशली रात में तो नहीं करना चाहिए, और वो भी ऐसे रोडों पे जहाँ पे आपके सामने कुछ भी नहीं है, 10-10, 20-20 किलोमीटर भी अगर कंटिन्यूअस चलोगे ना, कि 100 की स्पीड में भी, तो भी बंदा नहीं बंदा नहीं, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। बट हमें जो रास्ते में देखे हैं मतलब लाइक एक्सीडेंटल कार्स, कुछ नहीं बचा उसमें, मतलब जली हुई गाड़ियाँ। अच्छा जली हुई गाड़ियों की एक चीज थी, वो इतनी रात में चमक कैसे रही, बल्कि वो रस्टेड थी, पूरी रस्टेड थी, स्टिल वो बहुत ज्यादा चमक रही थी, वो एक इंडिकेशन होता है भाई वो सारी चीजें। बट हम तो सो सीन ये हुआ बिल्कुल की आवाज मुझे फैली, निशाद भाई को आई, ये बहुत देर से ड्राइव कर रहे, नोटिस कर रहे थे, लेकिन ये कुछ बोल रहे थे क्योंकि हम पीछे हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे, इसलिए अचानक जब सब शांत हुए तो निशाद भाई ने मेरे को बोला कि साहिल का कुछ आवाज सुनाई दे रहा है, तो मैंने 2 मिनट के लिए रुका, फिर हाँ आवाज आई थी मुझे, बिल्कुल पतली आवाज थी, है ना, बहुत बिल्कुल पतली आवाज थी, और अजीब सी आवाज थी, मैं बयान नहीं कर सकता उसे। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद ब्रेक पैड्स की आवाज आ रही है, तो मैंने कई बार ब्रेक भी अप्लाई करके यूज करके देखा, बट वो आवाज मतलब आई रही है, कंटिन्यूअस आ रही है, और गाड़ी हाई बीम पे चल रही, भाई एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी जब हाई बीम पे उसके चल रही थी, तो ये रोड तो कर्व्स होते हैं, उसके बाद सामने वाली पहाड़ी पे ना लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी, और जो सामने वाली पहाड़ी पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वहां पे जहां तक लाइट जा रही है वहां से कोई वेव कर रहा है या कोई इशारा दे रहा है, वो अट्रैक्ट, मतलब बेसिकली ये था कि ऐसा लग रहा था कि कोई वहां से चीज हमको घूर रही है, ठीक है ना, हमें ऐसा कर रही बहुत ज्यादा, मतलब वो चमक रहा बहुत ज्यादा, इतना जनरली नहीं होता। और इवन ऐसा हुआ था कि जब ये सब बातें हो रही थी, हम लोग और बातें कर रहे थे, मैं और रिहान, तो निशाद हमसे मना कर रहा है कि हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, तुझे फील हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो फील नहीं हो रहा, तो मैं उस टाइम ऐसे था मजाक मजाक में ले रहा था, फिर मैंने कहा निशाद यार 10 मिनट हो गए, बिल्कुल सब लोग गाड़ी में शांत हो गए चुपचाप, तो
वो आवाज है मुझे भी आने लगी. Exactly. मैं बिल्कुल डर गया. मैंने कहा कैसी आवाज, नोटिस करो. पहले मुझे आवाज आई, मैंने नोटिस करा उसको. उसके बाद फिर मैंने निशान भाई से हमने हाल आगे बात की. साहब को तो मैंने बाद में बोला था. निशान भाई से और मेरी ना बहुत एक लोटो में बात कट टू कट बात चल रही थी. मैंने उनको बोल रहा हूँ ये भी बिल्कुल परेशान हो रहा है. उसके बाद फिर मैंने कंफर्म करने के लिए, हो सकता है शायद हम आगे बैठे हो तो विंड नॉइज और ये सारी चीजें लोटो पे जहाँ पे आपके सामने कुछ भी नहीं है, 10-10, 20-20 किलोमीटर भी अगर कंटिन्यूअस चलोगे ना कि 100 की स्पीड में भी तो भी बंदा नहीं बंदा नहीं. वो तो बिल्कुल अलग चीज है. बट हमें जो रास्ते में देखे हैं मतलब लाइक एक्सीडेंटल कार्स और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड, पूरी मतलब कुछ नहीं बचा उसमें, मतलब जली हुई गाड़ियां. अच्छा जली हुई गाड़ियां की एक चीज थी, वो इतनी रात में चमक कैसे रही, बल्कि वो रस्टेड थी, पूरी रस्टेड थी, स्टिल वो बहुत ज्यादा चमक रही थी. वो एक इंडिकेशन होता है भाई, वो सारी चीजें. बट हम तो सो सीन ये हुआ बिल्कुल की आवाज मुझे फल निशाद भाई को आई. ये बहुत से ड्राइव कर रही है, नोटिस कर रही है, लेकिन ये कुछ बोल रही थे क्योंकि हम पीछे हंसी मजाक बातें चीत कर रहे थे. इसलिए अचानक जब सब शांत हुए तो निशाद भाई ने मेरे को बोला कि साहब तेरे को कुछ आवाज सुनाई दे रहा है. तो मैंने 2 मिनट के लिए रुका, फिर हाँ आवाज आई थी मुझे, बिल्कुल पतली आवाज थी, है ना, बहुत बिल्कुल पतली आवाज थी और अजीब सी आवाज थी. मैं बयान नहीं कर सकता उसे. पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद ब्रेक पैड्स की आवाज आ रही है, तो मैंने कई बार ब्रेक भी अप्लाई करके यूज करके देखा, बट वो आवाज मतलब आ ही रही है, कंटिन्यूअस आ रही है. और गाड़ी हाई बीम पे चल रही भाई, एक मिनट रुक जाओ. गाड़ी जब हाई बीम पे उसके चल रही थी तो ये रोड तो कर्व्स होते हैं, उसके बाद सामने वाली पहाड़ी पे ना लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी. Exactly. और जो सामने वाली पहाड़ी पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वहां पे जहां तक लाइट जा रही है वहां से कोई वेव कर रहा है या कोई इशारा दे रहा है, वो अट्रैक्ट हो. मतलब बेसिकली ये था कि ऐसा लग रहा था कि कोई वहां से चीज हमको घूर रही है, ठीक है ना, हमें ऐसा कर रही. बहुत ज्यादा मतलब वो चमक रहा, बहुत ज्यादा, इतना जनरली नहीं होता. और इवन ऐसा हुआ था कि जब ये सब बातें हो रही थी, हम लोग और बातें कर रहे थे मैं और रिहान, तो निशाद हमसे मना कर रहा है कि हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, तुझे फील हो रहा है. तो मैंने कहा नहीं मुझे तो फील नहीं हो रहा. तो मैं उस टाइम ऐसे था, मजाक मजाक में ले रहा था. फिर मैंने कहा निशाद यार 10 मिनट हो गए, बिल्कुल सब लोग गाड़ी में शांत हो गए चुपचाप. तो वो आवाज है मुझे भी आने लगी. Exactly. मैं बिल्कुल डर गया. मैंने कहा कैसी आवाज आई, एक चीज नोटिस करो. पहले मुझे आवाज आई, मैंने नोटिस करा उसको. उसके बाद फिर मैंने निशान भाई से हमने हाल आगे बात की. साहब को तो मैंने बाद में बोला था. निशान भाई से और मेरी ना बहुत एक लोटो में बात कट टू कट बात चल रही थी. मैंने उनको बोल रहा हूँ ये भी बिल्कुल परेशान हो रहा है. उसके बाद फिर मैंने कंफर्म करने के लिए, हो सकता है शायद हम आगे बैठे हो तो विंड नॉइज और ये सारी चीजें कभी कभी, तो मैंने साहब से पूछा. साहब ने भी वही चीज कंफर्म करा. थोड़ी देर बाद तुम्हें भी वो सुनाई दी. एग्जैक्ट 10 मिनट. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखो इविल चीज जो होती है, अगर कोई भी रूह होती है ना, तो वो उसी को डराती है जो उससे डरता है. मैं आपको सच बताऊं, अगर आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे ऐसे जा रहे हो ना कि आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो रियलिटी में आपको कभी भी कोई भी ऊपरी हवा या फिर रूह आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी. अगर आप दिल के कमजोर हो तो 99% आपको परेशान करेगी और इवन आपकी लाइफ को थ्रेट तक दे सकती है. हम 5 लोग थे वहां पे, हम 4 को महसूस हुआ. जिसकी तबियत खराब हो गई थी उसको महसूस नहीं हुआ. उसके लिए नॉर्मल था, उसके लिए नॉर्मल था, उसको कुछ महसूस नहीं हुआ था. उसकी तो भाई तबियत पहले वो जब नारगंडे से उतर रहे थे तभी तो खराब हो गई. मुझे तो पता नहीं, बहुत टाइम भी ऐसा लगा था कि उस पे कुछ हो रहा. Exactly. क्योंकि अनइवन हरकतें क्यों बंदा कर रहा है. बंदा नॉर्मल सा चल रहा है. हम इतना डर गए थे कि हम लोग डर के मारे उसके पास लेट नहीं देते, हम लोग सो नहीं रहते उसके पास. रात में गाड़ी चली है, दिन में गाड़ी चली है, एंड रात में हमें बेड मिला है सोने के लिए, हम रिलैक्स होंगे वहाँ पे. सो हम सब सो गए, हमें कुछ भी ध्यान नहीं है कि हम कैसे सोए क्या सोए. थैंक यू सो मच साहब भाई, आपका आने का, आपका स्पेशल टाइम देने का हमें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू साहब भाई. और हमारे चैनल को अपने लोग चले भाई. एक चीज और है कि हम आपके लिए एक चीज और करेंगे साहिब भाई के साथ, मतलब इनके साथ तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस. मोस्ट हॉरर एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ है वो इनके साथ ग्रेटर नोएडा में हुआ है. ब्लूपर्स दे देता हूँ. मतलब इनके साथ ऐसी चीज हुई है ना वहाँ पे कि आप सुनोगे ना तो आपको वाकई में डर जाए. और उस लोकेशन को मैं बिल्कुल सही प्रूफ करने के लिए ना, मैं उस लोकेशन का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दूंगा. चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए. टिल देन टेक केयर. ओके, थैंक यू.